नमस्कार, आज हम अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। कल हमने अलंकार की परिभाषा, उसके प्रमुख भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, और इन तीनों भेदों के जो उपभेद है उन पर चर्चा की थी। उपभेदों के अंतर्गत उनकी परिभाषा, उनके लक्षण और उदाहरण बताए थे। आज चर्चा का विषय है अर्थालंकार। सर्वप्रथम अर्थालंकार के अंतर्गत हम लेंगे उपमा। उपमा का अर्थ है समीप से नापना या तोलना। उप अर्थात समीप और मा यानी तोलना। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण, रंग आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से प्रदर्शित की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से चार रंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। सबसे पहले लेते हैं उपमेय। उपमेय जो वर्णन का विषय हो, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए। दूसरा होता है उपमान, कोई प्रसिद्ध वस्तु जिससे उपमेय की समता की जाए। तीसरा वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमेय और उपमान के मध्य समानता बताई जाती है। चौथा है साधारण धर्म, वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए वह साधारण धर्म कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसमें संत शब्द उपमेय है जिसकी तुलना उपमान मधुकर से की जा रही है। सरिस वाचक शब्द है जो संत और मधुकर के मध्य समानता दर्शा रहा है और गुणग्राही शब्द इसमें साधारण धर्म है। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, इसमें संत उपमेय है, मधुकर उपमान है, सरिस वाचक शब्द है समानता बताने वाला और गुणग्राही साधारण धर्म है जो दोनों उपमेय और उपमान में समान रूप से विद्यमान रहता है। ये उपमा अलंकार के चार प्रमुख अंग है। उपमा के दो प्रमुख भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों शब्दों का उल्लेख हो तब वहां पर पूर्णोपमा होती है। उदाहरण, मुख कमल सा खिल गया। इसमें मुख उपमेय है, कमल उपमान है, सा वाचक शब्द और खिल गया साधारण धर्म। तो चारों उपमा के चारों अंगों का इसमें प्रयोग होने के कारण ये पूर्णोपमा अलंकार है। दूसरा अब हम लेंगे लुप्तोपमा। जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों में से कोई एक या दो या तीन लुप्त हो वहां लुप्तोपमा होता है। उदाहरण देखिए, मुख कमल जैसा है। यहां साधारण धर्म सुंदर शब्द का उल्लेख नहीं है, मुख उपमेय है, कमल उपमान है, जैसा शब्द वाचक शब्द है, लेकिन जो दोनों के मध्य सुंदरता बताने वाला सुंदर शब्द का इसमें उल्लेख नहीं है, इसलिए इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा के वाचक शब्द भी समझ लीजिए। निम्न वाचक शब्दों का उपमा अलंकार में प्रमुख रूप से प्रयोग होता है, सा, जैसा, सदृश, सरिस, सरीखा, सम, समान, तुल्य, भांति, तरह, प्रकार, ज्यों, लों, इव, यथा आदि।
फिर दूसरा अलंकार हम लेंगे रूपक। रूपक में जब उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप किया जाता है, अर्थात एक वस्तु में को दूसरी वस्तु का जहां रूप दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए आप, चरण सरोज पखारण लागा, चरण रूपी सरोज को का प्रक्षालन करने लगे। तो इसमें उपमेय चरण का उपमान सरोज पर अभेद रूप से आरोप किया गया है, इसीलिए इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के तीन मुख्य भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। सबसे पहले हम लेंगे सांग रूपक। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका, उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। इसमें राम का आगमन है, उसकी चर्चा की गई है, उसका वर्णन किया गया है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, कि भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य का पूर्व दिशा रूपी मंच पर उदय हुआ है, और जैसे ही भगवान राम रूपी बाल सूर्य का उदयगिरी रूप मंच पर उदय हुआ है तो वहां पर उपस्थित संत सरोज रूपी जो संत रूपी जो सारे सरोज हैं उनके नेत्र रूपी भ्रमर जो है वो हर्षित हो गए। दूसरा है निरंग रूपक। जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाता है वहां पर निरंग रूपक होता है। इसका उदाहरण देखिए, हरिमुख मृदुल मयंक, कि भगवान का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुकोमल मृदुल है। यहाँ पर उपमेय के अंगों का उपमान पर आरोप, उपमान के अंगों का उपमेय पर आरोप नहीं किया गया है, केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया गया है, इसीलिए इसमें निरंग रूपक है। तीसरा रूपक अलंकार है परंपरित रूपक। परंपरित में दो रूपक होते हैं, एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। मैं आशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसके हृदय रूपी मरुस्थल की आशा सुंदर मंदाकिनी सदृश सलिल आप्लावित करने वाली है। फिर हम लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का है उत् यानी उत्कट रूप से, प्र प्रकृष्ट अर्थात उपमान, और ईशा अर्थात देखना। जब एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। अब कुछ उत्प्रेक्षा वाची शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं। मानो मनहु जानो जनहु जनु मनु आदि उत्प्रेक्षावाची शब्द है, जिससे हमें यह पहचानने में सरलता होती है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका उदाहरण देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नयन जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर इन दो पंक्तियों को पढ़ते ही मानो शब्द से हमें पता चल जाता है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार कहती उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसके तीन प्रमुख भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। सबसे पहले हम लेंगे वस्तुत्प्रेक्षा।
वस्तुपेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है। इसका उदाहरण है हरि मुख मानो मधुर मयंक। इसमें हरि का, ईश्वर का जो मुख है उसको उसमें संभावना की गई है कि वो मधुर चंद्रमा के सदृश है, इसलिए इसमें वस्तु प्रेक्षा है। दूसरा हेतु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है। इसका उदाहरण देखिए मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। इन्हें नायिका का चित्रण है कि मानो कठिन कठोर आंगन पर चली है ताते राते पाए, इसी के कारण उसके पांव जो है वो लाल हो गए। तो इसमें अहेतु में हेतु की संभावना की गई है, इसीलिए हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा का फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल या उद्देश्य नहीं है उसके उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है। उदाहरण है, उदाहरण से स्पष्ट होगा तव मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। नायिका के सौंदर्य का इसमें अंकन है, तो उसमें कहा है कि तेरे मुख की समानता ग्रहण करने के लिए जो जल जात है अर्थात कमल जो है वह जल की सेवा करता है, क्योंकि नायिका के मुख की उपमा जो है वो कमल से दी जाती है। तो इसमें जो फल है उद्देश्य नहीं उसकी इसमें संभावना की गई है, इसीलिए फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। जब उपमेय में उपमान की उपेक्षा या भली बुरी बात अधिक बताई जाए, जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। इसमें कवि ने जो साधु जन होते हैं उनको पर्वत के समान उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई को बताया है, किंतु पर्वत कठोर होता है और जो साधु पुरुष होते हैं साधु प्रवृत्ति के पुरुष उनका जो स्वभाव है वह अत्यंत कोमल होता है। तो यहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है, इसीलिए इसमें व्यतिरेक अलंकार है।